एंड वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर। वर्ल्ड कप 2023 को नीदरलैंड के खिलाफ 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका लक्ष्य की पीछा करने में उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका कर रही है बल्लेबाजी। इससे नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय विश्व कप मैच में मंगल को बार को यह निर्धारित 43 ओवर में 8 विकेट पर 245 रन बनाए। नीदरलैंड की तरफ से कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने सर्वाधिक 78 रन योगदान दिया। बारिश के कारण खेल देर से शुरू हुई जिससे मैच को 43 ओवर का ही कर दिया गया। बारिश के चलते 43 ओवर कर दिया गया। पहला पावर प्ले 19 ओवर का होगा, अगला 10 से 35 ओवर का होगा, अंतिम 36 से 43 ओवर का होगा। तीन गेंदबाज अधिकतम 9 ओवर फेंक सकते हैं जबकि दो गेंदबाज अधिकतम 8 ओवर फेंक सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने अपने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया, वहीं नीदरलैंड भी एक बदलाव के साथ उतरा। इससे पहले मैच के टॉस में बारिश का कारण देर हुआ था। दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग 11 क्लिंटन डी कॉक विकेटकीपर, टेम्बा बाबूमा कप्तान, रासी वेंडर डुसेन, एडेन माथराम, एनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जेंसन, कैगिसो रवाडा, केशव महाराज, लुंगी एंड गिडी, गेराल्ड कोएंजी। नीदरलैंड के विक्रमजीत सिंह, मैक्सो डाउड, काल्विन एकरमैन, बास डी लिडे, तेजा निदामा गुरु, स्कॉट एडवर्ड्स विकेटकीपर कप्तान, साइवेंड एंगलवैक्स, रूलिफ वैन डेर मेरवे, लोगन वैन बीप, आर्यन दत्त, पॉल वैन मिग्रेन। इस तरह करके 43 ओवर में ही ये लोग खेल पाया। जैसे अभी मैंने खिलाड़ी का नाम आपको बता दिया, प्लेयर का नाम बता दिया। वनडे वर्ल्ड कप में आज जो साउथ अफ्रीका के सामने नीदरलैंड है, धर्मशाला में हो रहा है जो हिमाचल में है, वहाँ पर ये गेम हो रहा है। इस टक्कर में बस पलड़ा साउथ अफ्रीका का भारी है, लेकिन जैसे अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया उसके बाद कुछ भी हो सकता है। नीदरलैंड के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपना गियर बदलकर मैच बदलने का दमखम रखता है। बहरहाल लगातार दो मैच जीतकर जिस तरह से साउथ अफ्रीका के हौसले बुलंद हैं, उन्हें हराना नीदरलैंड के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आंकड़ों में देखेंगे तो वर्ल्ड कप की पिच पर नीदरलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की जीत का प्रतिशत पूरे 100 का है। दोनों के बीच वर्ल्ड कप में अब तक 3 मैच हुए हैं और तीनों साउथ अफ्रीका ने जीता है। अब देखना है कि धर्मशाला के पिच पर वनडे वर्ल्ड कप में होने वाली चौथी टक्कर किसके नाम होता है। साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड मैच का हर अपडेट है ना, देखते रहने से पता चलेगा। बता दें संक्षिप्त में, इस मुकाबले पहले धर्मशाला में बारिश हुई। बारिश के चलते मैदान गीला होने के वजह से टॉस में देरी हुई। धर्मशाला में होने वाला साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच मैच की पूरी अपडेट आप यहां पॉइंट वाइज हम बता सकते हैं आपको, क्योंकि धर्मशाला जो है हिमाचल में पड़ता है, वहीं के स्टेडियम में मैच ये हो रहा है। धर्मशाला में साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच मैच का टॉस भारतीय समय 1:30 बजे होना था,
लेकिन बारिश के चलते गीले मैदान में टॉस में देरी हो गई। अभी अभी जानकारी के मुताबिक 2 बजे तक होने का आसार है, पहले गेंद 2:30 बजे फेंकी जाएगी। इसके बाद इसका 43-43 ओवर कर दिया गया मैच के कारण, जब बारिश रुकी तो 43 ओवर है, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, टाइम वक्त चला गया था। नीदरलैंड टीम को पहला झटका लगा, ओपनर विक्रमजीत सिंह आउट हो गया, वह रवाडा की गेंद पर आउट हुए, सिंह 2 ही रन बना पाए हैं। 50 रन के अंदर नीदरलैंड के 3 विकेट गिर गए। 11.3 ओवर के बाद उसका स्कोर 43.9 है। रवाडा ने 2 विकेट झटके हैं। नीदरलैंड टीम का 4था झटका लगा, ग्रियल्ड कॉटिजी कॉलिन एकरमैन।